अमृत भारी जी हर हर ते। हर किया कथा कहानियां, हर किया कथा कहानियां। श्री गुरु नानक देव जी का विवाह। श्री गुरु नानक देव जी की कुड़माई जगत माता सुलखनी जी नाल होई सी। आप जी का विवाह 24 जेठ संमत 1549 बिक्रमी मुताबक 19 मई 1488 ईस्वी सोमवार नू बटाले विच होया। आप जी का सहुरा मूल चंद जी ते सास चंदो राणी जी सन। गुरु जी की जंज सुल्तानपुर तों बटाले आई, जिथे जंज का उतारा कीता सी उस थां एक कच्ची कंध सी। मूल चंद दे पुरोहित ने बेदी भाव अग दुआले परिक्रमा करवाउण दी तैयारी कीती ते गुरु जी नूं अग दीआं परिक्रमा करन वास्ते कहा। गुरु जी ने कहा, साडा इष्ट अग नहीं है, इस करके असी अग दुआले परिक्रमा नहीं करनिया। मूल चंद नूं पंडित आखण लगे, तेरा जवाई साडे आखे नहीं लगदा, जे तुसी कहो तां असी इस नूं समझा लैंदे हां। ब्राह्मणा ने मूल चंद नूं अपने अनुसारी कर लिया। गुरु जी नूं सारियां ने बहुत समझाउण दा जतन कीता। सतगुरु जी ने कहा, साडा इष्ट अकाल पुरख है, असी उस तो बिना अते उस दे नाम तो बगैर किसे दियां परिक्रमा नहीं करनिया। सतगुरु जी अग दुआले परिक्रमा करनिया नहीं मन्ने तां पंडिता ने कुटल नीति धारी। इन्हां ने सलाह कीती कि इन्हां उत्ते ओह कच्ची कंध डेग के डरावा देईए तां इह मन जाणगे। सतगुरु जी नूं उस कच्ची कंध नेड़े बिठा दिता। निरभउ सतगुरु जी नूं किहड़ा डरा सकदा सी। इन्हां ब्राह्मणा दी सलाह एक बिरध माई ने सुन ली। उस माई ने सतगुरु जी नूं कहा, इह कंध डिगण वाली है, तुसीं इथों उठ जाओ। उधरों उन्हां पंडितां दे आदमी उस कंध नूं डिगण लग पए। गुरु जी ने कहा, माता तूं डर ना, इह कंध नहीं डिगदी, साडे विआह दी निशानी कई सदियां तक रहेगी। जदों गुरु जी ने इस तरह बचन कीता तां उह कच्ची कंध उसे तरह ही खड़ी रही, ना डिगी। उदों उन्हां पंडितां दा कोई चारा ना चलिया। जदों सारे ब्राह्मण हार चुके उस वक्त हरदयाल पुरोहित ने कहा, आप करोड़ां ब्रह्मंडा दे मालक हो ते मेरे जजमान हो, मैं आप जी दा पुरोहित हाँ। जिस तरह आप जी ने मैनू ज्ञान दा जनेऊ बख्शिया सी उसे तरह लावां दी मर्यादा भी दसो, आप किस दे दुआले परिक्रमा करोगे। गुरु जी ने कहा, असी नाम दियां परिक्रमा करनियां हन। भाई वीर सिंह जी ने लिखिया है कि गुरु जी ने जदों अवतार धारिया सी उदों ही मूल मंत्र लै के आए सन। उस वक्त गुरु जी ने कागज ते कलम दवात ते चौंकी मंगवा के मूल मंत्र अपने हथी कागज ते लिखिया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदे सच जुगादे सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु जी ने उस वक्त चौंकी ते रुमाला विछा के उपर लिखिया मूल मंत्र रख दिता। सतगुरु जी ने अपने महल जगत माता सुलखनी जी नूं नाल लै के मूल मंत्र दियां चार परिक्रमा करके मूल मंत्र नूं मत्था टेकिया।
सतगुरु जी ने सदा वास्ते मर्यादा कायम कर दिती कि गुरबाणी दियां परिक्रमा करनियां हन, अग दियां परिक्रमा नहीं करनियां। चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने चार लावां उचारियां। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने चौहां पातशाहियां दी बाणी ते अपनी बाणी इकट्ठी करके भाई गुरदास जी पासों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा स्वरूप लिखवाया। उदों तो श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं लावां ते परिक्रमा करन दी मर्यादा बनाई है। इस तरह बटाले तीन दिन बरात रही। चौथे दिन बाबा कालू जी ने मूल चंद जी कोलों विदायगी लई। इस तरह बरात सुल्तानपुर वापस आ गई। उस कंध वाली जगह हुण सुंदर गुरद्वारा कंध साहिब सुशोभित है। उस कंध दा कुछ हिस्सा गुरद्वारे दे अंदर शीशे विच हुण भी मौजूद है। जिथे गुरु साहिब जी दीआं लावां होईआं सन ओह कंध साहिब तों थोड़ी दूर मूल चंद जी दे घर वाले स्थान ते है। गुरद्वारा डेरा साहिब है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रश्न, पहला प्रश्न, गुरु नानक देव जी दा ब्याह किथे अते कदों होया? दूसरा प्रश्न, मूल चंद दे पुरोहित ने गुरु जी नूं की कहा ते गुरु जी ने की उत्तर दिता? तीसरा प्रश्न, हरदयाल पुरोहित ने गुरु जी नूं की बेनती कीती? चौथा प्रश्न, पंजवें पातशाह जी ने की मर्यादा बनाई? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर कियां कथा कहानियां, हर कियां कथा कहानियां।